Politics, meanwhile, continues to escalate over the Kavad Yatra debate. Now, what has happened here? Remember a notification that was issued earlier this week in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar district that all eateries, which means hotels, restaurants, street vendors, will have to display the name of the owners during the Kavad Yatra. The notification claims that this move is to ensure zero confusion among the Kavadiyas, and that notification is being followed by their own will. People are voluntarily putting up their names. The opposition has gone, meanwhile, all guns blazing against Uttar Pradesh government, saying that this notification appears to be a state-sponsored bigotry. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has jumped in, calling this notification as food apartheid. He's even compared it to Hitler's time and era, that there was a certain identification, and that basically is referring is to target the Muslim community. Now, while backing the diktat, meanwhile, the Saffron Party has hit back at opposition. They are claiming that when restaurants display halal compliance certificates, why should it be any different for the fasting Hindus? देखिए गरीब आदमी जो ये उम्मीद करता है कि जब कावड़ यात्रा जाएगी मेला होगा दो पैसे की आमदनी होगी उस गरीब आदमी के ऊपर संप्रदायिकता का लेबल लगाकर एक गरीब आदमी के पेट पर लात मारना ये अच्छी बात नहीं है और न अच्छा आदेश है। शासन इतना आदेश कर सकता है कि आप रेट लिस्ट लगाइए, आप अच्छा सामान दीजिए, लेकिन ये आदेश कि आप अपना नाम लिखिए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये तुगलकी फरमान है और ये आदेश रद्द होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानदारों को अपने दुकानों पर अपना नाम लिखना कि दुकान का मालिक कौन है यह अनिवार्य किया जाना अखिल भारतीय संत समिति हृदय से स्वागत करती है। कल तक आप हलाल सर्टिफाई सामान बेचते थे तो हमने तो प्रश्न बहुत नहीं उठाए। हलाल सर्टिफाई आप हिंदुओं से कराने लगे और आज आप अपनी पहचान छुपा करके व्यापार क्यों करना चाहते हैं? बवाल तो क्रिएट कौन कर रहा है? सरकार। कांवड़िया यात्रा आज से थोड़ी निकल रही है, सालों बरसों से निकल रही है। और जब कांवड़िया यात्रा निकलती है तो सारा इंतजाम बीच में रास्तों पर खाने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम पब्लिक करती है और सब तरह के लोग करते हैं उसके अंदर। सेलमपुर में आप पूछिए जरा जाकर के कांवड़िया यात्रा जो है सबसे बड़ा उनका इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं। मेरा ख्याल है कल सरकार कहेगी अपना नाम लिखो, अपने बाप का नाम लिखो, ये भी लिखो कितने बच्चे हैं, ये भी लिखो कि तुम कहाँ से आए थे, किस स्टेट से आए थे और उससे पहले तुम कहाँ रहते थे, किसी बाहरी देश से तो नहीं आए, ये सब भी लिखना पड़ेगा। देखिए तुगलकी फरमान है, समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं मुझे समझ से बाहर है। भाई अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे समाज के अंदर गलत संदेश जाए। देखिए वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बायकॉट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं। So this notification by Uttar Pradesh has definitely become a huge debate point. The opposition is saying this is bigotry, this is state-sponsored. Many are even comparing it within the opposition to the Hitler's era. Here's what has happened. How is the government, the police justifying it? What is the reason that owners must put their names and why for the Kanwad Yatra? Let's take a look at that. Big face-off over Kanwad Yatra in Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh police issued a notification
requesting all eateries along the Kavad Yatra route to display details of owners. According to the Uttar Pradesh police, this directive is intended to prevent confusion among the Kavadis and applies to all food establishments, including hotels, dhabas and roadside carts. The Muzaffarnagar police emphasized that food stall owners are voluntarily complying with the requirement. As you can see, this is the Sheer Mal shop, and there is a new flex, a new, a kind of a board of the proprietor. The proprietor is Aas Muhammad. The next shop you can see is Haji Maqbool Sitahari. So Haji Maqbool Sitahari, it's a big board you can see, but still they had to put this proprietor's name in front of their counter. However, this measure has sparked significant controversy, with the opposition alleging that it targets Muslim-owned shops and symbolizes apartheid. तो सवाल देखिए नाम का नहीं है, ये राजनीति है. जो काम पुलिस का नहीं है वो काम पुलिस कर रही है. समाजवादी पार्टी समझती कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो जो मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं वो भी उनका स्वागत करते हैं. इन फैसलों से दूरी बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग का वो आदेश है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं. जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना. कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का, तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे. वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे. ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायोलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है. नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायोलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायोलेशन है. Even BJP ally JDU urged the Yogi government to review the notification. इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा. Despite the backlash, the Uttar Pradesh government, police and ruling BJP defended the directive, calling it fair and necessary for peaceful Kavad Yatra. हर बात पे राजनीति करना ये उचित नहीं है. उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से खुशहाली और भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहा है. ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है. कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने तो, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं. Thousands of Kavadiyas undertake the holy journey between end of July and early August. But this time the Yatra is courting controversy. With Abhishek Anand in Muzaffarnagar, Bureau Report, India Today.